एक लड़का था। एक घटना बताऊं मैं आपको, वह विदेश गया, विदेश में अपना घर बसा लिया, विवाह कर लिया, घर बसा लिया। माँ ने फोन किया यहां से, कहा कि बेटा बहुत दिन हो गए विदेश में रहते हुए, कभी तो घर आ जा बेटा, बहुत दिन से देखने का मन कर रहा है। माँ तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। माँ कहती है बेटा तू भी जब छोटा था ना तो कहता था तो समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती थी। तू जब कहता था तुम्हें भोजन, मुझे भोजन करना है, भूख लगा है, तुम ये बोल नहीं पाते थे बेटा, लेकिन मैं समझती थी तुम्हें भूख लगा है। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूं जब माता पिता बिना कहे हमारी बात समझते थे, और आज हम माता पिता के कहने के बाद भी नहीं समझ पाते, उनके मुख से निकली हुई बात भी हमें समझ में नहीं आती। वो लड़का नहीं आया, एक दिन उनकी मां नहीं रही, पड़ोसी ने सूचना किया उनके बेटे को, कहा कि तुम्हारी मां नहीं रही। लड़के ने कहा मैं थोड़ा व्यस्त हूं, तुम लोग अंत्येष्टि कर लो, देखो कैसा बेटा है, तुम लोग अंत्येष्टि कर लो, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, मैं दो चार दिन में पहुंचूंगा। आया, जब घर आया ना, जब पूरे कार्यक्रम हो गए तो पड़ोसी ने एक पर्ची दिया उनको, उस लड़के को, हाँ, और उस पर्ची में क्या लिखा था, जब उस लड़के ने पर्ची पढ़ा तो उनकी आंख खुली की खुली रह गई। उस पर्ची में लिखा था कि बेटा आज मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं, तुम जब छोटे थे ना तो किसी लड़के के साथ तुम्हारा लड़ाई हुआ और उन्होंने तुम्हें एक पेड़ में धक्का दे दिया, जिनके वजह से उसकी नुकीली डंडी तुम्हारी आंख में घुस गई और तुम्हारा आंख फूट गया, तुम्हारा एक आंख, तुम्हारा एक ही आंख था बेटा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका कोई उपाय है जो मेरा बेटा अपनी आंखों से, दोनों आंखों से देख सके। डॉक्टर ने कहा कोई अपनी आंख इनको दे दे। माँ ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, तुरंत निर्णय लिया, डॉक्टर साहब यह भी मेरी आंखों का तारा है, मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी, कम से कम मेरी आंखों से तो देख पाएगा जगत को। और ऑपरेशन किया गया है और उनकी माँ का आंख उस लड़के के आंख में लगाया गया। आज वो लड़का उस चीज को पढ़ करके रो रहा है, मैं जो देख रहा हूं वो मेरे माँ की आंख है, वो मेरी माँ के आशीर्वाद के कारण है। क्या नहीं करते माता पिता बच्चों के लिए, लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हर चिंता माता पिता को होती है, हर चिंता, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, अगर माँ घर में है बेटा कभी भूखा नहीं सोता है, कभी नहीं सोता है। कुछ न कुछ 80 साल की माँ, 90 साल की माँ अपने बेटे के लिए हाथ पैर भी नहीं चल रहा है फिर भी सामर्थ्य रखती है उनको खिलाने की। इसलिए सदैव ध्यान रखना मेरे भाई बहन, पत्नी पसंद से तो मिल सकती है लेकिन माँ पुण्य से मिलता है, पुण्य से। जीवन में हर चीज का विकल्प हो सकता है, हर चीज का विकल्प, लेकिन माँ बाप का कोई विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं। इसलिए जीवन में ना जिन्होंने हमें सर्वस्व दिया है उनके प्रति ईमानदार रहना। जीवन में ऐसा कोई काम करना कि उनकी शेष बची हुई जिंदगी, आपके कार्य उनकी शेष बची हुई जिंदगी में खुशियों भरने लायक हो। अब जो जीवन बची हुई है उनको कुछ दे सको,